रायपुर में हमर तिरंगा अभियान के तहत सम्मान कार्यक्रम। सीएम बघेल ने किया शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान, कहा पूरा प्रदेश शहीदों का कृतज्ञ रहेगा। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का जोरदार स्वागत, 2023 में सरकार बनाने का किया दावा, कहा जनता की आवाज बनेगा बीजेपी का हर कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी में कलह, 4 साल में बदले 4 अध्यक्ष, कांग्रेस में सब ठीक, किसी तरह की कोई बदलाव की जरूरत नहीं। धार में कारम नदी पर बन रहे डैम को बचाने की कोशिशें जारी, मंत्रोच्चर के बीच मंत्री और महिला अधिकारी ने की पूजा, खरगोन और धार के 18 गांव में अलर्ट। डैम मामले में एक्शन में सरकार, पल पल की अपडेट ले रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, लोगों से अभी गांव नहीं लौटने की अपील की। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। कारम डैम से निकाला जा रहा है पानी, अलर्ट मोड पर है प्रशासन और सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान देर रात तक मॉनिटरिंग करते रहे, पानी निकालने वाले ऑपरेटरों का ध्यान रखा जाएगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। तो देखिए, कारम डैम से पानी निकाला जा रहा है और सीएम और कई तमाम नेता जो है इस पर निगरानी रखे हुए हैं। कई गांव में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से निगरानी रखे हैं। इस डैम से जो है पानी निकाला जा रहा है, पानी निकालने वाले ऑपरेटरों का भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है। तो धार से इस वक्त की खबर आपको बता रहे, जहां कारम डैम से पानी निकाला जा रहा है और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो देर रात तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी रखे हुए हैं। कई तमाम नेता भी मौजूद हैं जो इस पर निगरानी रखे हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि पानी निकालने वाले ऑपरेटरों पर ध्यान रखा जाएगा। और इसी के साथ जो है प्रशासन ने कई गांवों में जो आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। कारम डैम रिसाव मामले पर सियासत तेज हो गई है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह आज धार जाएंगे, डैम में हो रहे रिसाव और स्थिति का आकलन करेंगे, विस्थापितों से मुलाकात करेंगे गोविंद सिंह। कारम डैम निर्माण में कांग्रेस ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप, कांग्रेस ने अलग से गठित की है जांच कमेटी। तो कारम डैम रिसाव मामले पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जो है आज धार जाएंगे और पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। कांग्रेस का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, कांग्रेस ने अलग से गठित की है जांच कमेटी। तो वहीं धार में डैम की मरम्मत का काम तेजी से जारी है, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर मौजूद रहे, एसपी कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। अब बाढ़ के खतरे को लेकर 18 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान पल पल के हालात की अपडेट जो है ले रहे हैं। तो देखिए, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर मौजूद रहे, तस्वीरें देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कड़ी निगरानी रखे हुए हैं, पल पल की अपडेट जो है लेते रहे हैं हालात। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की बात करें तो वही तमाम अधिकारी के साथ जो है वहां पर मौजूद रहे, एसपी कलेक्टर भी वहां पर मौजूद रहे। बाढ़ के खतरे को लेकर जो है 18 गांव में अलर्ट जारी कर दिया है प्रशासन ने, जो है आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है और पल पल की अपडेट जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो है मिट्टी जो है धस रही है, धीरे धीरे पानी इसमें से जो है निकलता जा रहा है और बाढ़ के खतरे को लेकर जो है गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। चुनौती बड़ी है, निरंतर मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद पल पल की खबर मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं, हम लोगों से निरंतर जानकारी ले रहे हैं। आपके सामने पूरा अमला काम में लगा है, सारे आला अफसर काम में लगे हैं, नतीजा सकारात्मक निकलेगा। अभी स्थिति नियंत्रण में है,
कोऑर्डिनेशन में दोनों चीज़ें चल रही हैं, डैम के जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व किया जा रहा है, और उसके अलावा नीचे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लोगों को इवैक्यूएट करना उनके गांव से, ताकि किसी परिस्थिति में यदि कुछ होता है तो लोगों को सेफ जगह ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार हमारी टीम्स लगी हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ये सिचुएशन कंट्रोल में। डैम के रिसाव को लेकर पूजा होने लगी है, कारम नदी के किनारे ये पूजा कराई जा रही है। एसडीएम रोशनी पाटीकार रही मौजूद, संकट से उभरने के लिए जो है महिलाओं जो है पूजा में लग गई है। मां नर्मदा कार्मिक की पूजा अर्चना की जा रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जो है मौजूद रहे इस पूजा पाठ के दौरान। देखिए बाढ़ के खतरे में है जो आसपास के गांव में, वहां पे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और पूजा पाठ जो है यहाँ शुरू हो गई है, जहाँ मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहे। देखिए कि हमारी मान्यता है, हम नदियों को माँ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक विपदा की स्थिति है। हमारी धार में और नीचे जो डाउन स्ट्रीम में जो भी हमारे जिले हैं, वहाँ किसी भी तरह की जनहानि, पशु हानि और किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, इसीलिए हमने आज प्रार्थना की है और पूजा की है। क्या किस तरह से पूजन सामग्री में हमने सुहाग की सामग्री रखी, चुनरी, चूड़ी, सुहाग की पूरी सामग्री रखी, और ये प्रे की है माता रानी से। जैसे मैंने बताया नदियाँ हमारी माँ होती है, तो माता रानी से यही प्रार्थना की कि कोई विकराल स्वरूप ना धारण करें और सामान्य स्थिति में सारी चीज़ें हो जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, अब ये पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू हो गया है, नदी को जो है भगवान के रूप में माना जाता है, माँ के रूप में माना जाता है, और वहीं तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे, अब क्या कुछ अपडेट जो है वहां पे नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि धार में जो पूरा मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए परेशानी जरूर बनती जा रही है, लेकिन लगातार जो है सीएम शिवराज जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दोनों ही जो मंत्री तो डैम रिसाव पर जो है सियासत तेज हो गई है, वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे और पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह जो है डैम में दरार आ गई, और अब जो सरकार जो एक्शन में आ गई है, आसपास के गाँव में अलर्ट जारी कर दिया है, बाढ़ के खतरे से जो है कई गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया है, और खबर ये भी सामने आ रही है कि सभी को सुरक्षित स्थान पर जो है ले जाया जा रहा है, और पल पल की अपडेट जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेते नजर आ रहे हैं। रात से ही जो है शिवराज सिंह चौहान पल पल की अपडेट ले रहे हैं और तमाम नेता भी मौजूद हैं। वहीं बात करें तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री वहां पर मौके पर मौजूद हैं, पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उनके साथ तमाम SP कलेक्टर सभी मौजूद हैं, और इसी के साथ जो है अब तो पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो गया है। नदी के पास जो है मंत्री तुलसी सिलावट जो है मौजूद रहे, वहां वो पूजा पाठ में शामिल हुए। तो प्रश्न ये उठता है कि किस तरह जो है ये डैम में जो दरार है वो किस तरह ठीक होगी, और एक्शन में सरकार आ गई है, आसपास के गांव में अलर्ट कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी अब धार जाएंगे, और वहीं कांग्रेस का जो है आरोप शुरू हो गया है, भ्रष्टाचार को आरोप लगाया है कांग्रेस ने। आज नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह स्थिति का जायजा लेने जाएंगे, और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो पल पल की अपडेट जो है वो ले रहे हैं। चलिए अमृतांशी जोशी के पास चलते हैं। अमृतांशी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि धार में ये जो पूरा मामला चल रहा है, जो डैम में रिसाव की घटना सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक परेशानी ज़रूर बनती जा रही है। देखिए, पूरा जो मामला है उसकी जो मॉनिटरिंग है खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, साथ ही अगर हम बात करें तो मंत्री तुलसी सिलावट और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव दोनों ही मौके पर पूरी तरीके से मौजूद हैं। लगातार जो है काम किया जा रहा है, प्लोक्लीन के जरिए वहाँ पर खुदाई की गई है, और अब दूसरे चैनल पैरेलल चैनल के जरिए वहाँ से पानी निकालने का काम शुरू किया जा चुका है। मैं आपको बता दूँ कि लगातार जो SDM है, अधिकारी हैं, जितने भी तमाम कलेक्टर अधिकारी हैं, सभी मौके पर मौजूद हैं। इंदौर कलेक्टर से भी लगातार, कमिश्नर से लगातार संपर्क बनाकर काम किया जा रहा है। साथ ही और अगर हम बात करें बल की, तो वहां पर NDRF SDRF के साथ साथ आर्मी का भी एक हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया है। 18 गांव पूरी तरीके से खाली करवा दिए गए, जिसमें खरगोन जिले के 6 गाँव हैं, उसके अलावा 12 गाँव हैं, और लोगों को सख्त हिदायत भी यही दी जा रही है कि वो किसी भी तरीके से डैम के आसपास ना रहें, और जो भी गाँव आसपास है उन्हें पूरी तरीके से खाली करवाने का निर्देश
सीएम शिवराज ने भी दे दिया है। हालांकि सीएम शिवराज पूरे जो मामले हैं उसकी पूरी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि पशु हानि तक नहीं होने ये इस तरीके से है जो सुरक्षित किया जाए, चाहे पशु हो या लोग हो। लगातार जो है सीएम शिवराज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल रात देर 12 बजे तक उन्होंने पूरे मामले की मॉनिटरिंग करी है और क्या कुछ हो रहा है वहां पर इसको लेकर वो लगातार अपडेट सुबह से ही रहे हैं। देखिए लगातार जो है सियासत भी इस पूरे मामले पर चल रही है, क्योंकि जो डॉक्टर गोविंद सिंह है नेता प्रतिपक्ष, वो आज जो है वो धार पहुंचने वाले हैं और यहां जाकर वो आकलन करने वाले हैं उस स्थिति कि क्या कुछ स्थिति डैम के रिसाव में, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि डैम बनाने में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए ये निर्माणाधीन डैम जो है वो कहीं ना कहीं अब उसमें फूट पड़ गई है, वो बहने को हो गया है और आम जनता जो है इस पे परेशान हो रही है। विस्थापित जो लोग हैं जिनको शिफ्ट करवाया गया है अलग अलग गाँव से, उनको एक जगह पर सुरक्षित रखा गया है, वहां जाकर भी नेता प्रतिपक्ष मुलाकात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सियासत का मुद्दा तो ये बनता ही जा रहा है। लोग हैं जो कि विस्थापित हैं वो इसमें सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वो लोगों को सुरक्षित रखे, जन हानि ना हो, पशु हानि ना हो, और लगातार जो है पोकलेन से जो है खुदाई करके जो पैरेलल चैनल है उससे पानी निकाला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज्यादा खतरा है। पूजा पाठ की जा रही है, मंत्री अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अब क्या कुछ आज स्थिति होगी, क्योंकि अगर वहां पर बारिश शुरू होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा देने वाली ये वाली चीज होगी। बारिश शुरू होने से बहुत ज्यादा परेशानी पड़ जाएगी और खुदाई में भी परेशानी होगी। इसको लेकर ही प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। इसके लिए पूजा पाठ की गई है कि कोई विकराल रूप अब नर्मदा माँ ना ले और कहीं भी परेशानी का सामना प्रशासन के साथ साथ लोगों का भी ना करना पड़े। जी बिल्कुल मितांशी, तो पूजा पाठ भी शुरू हो गई है और इसी के साथ जो आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मितांशी जोशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी आज धार जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। वहीं कांग्रेस का भ्रष्टाचार का आरोप शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल-पल की अपडेट भी ले रहे हैं। आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई गांव के जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा भारी बारिश का दौर। 4 संभाग में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहडोल, जबलपुर, सागर, रीवा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मॉनसून मेहरबान हो गया है। तो देखिए मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने कई जगहों की जो है तस्वीरें बदल दी हैं। अब पूरा मध्य प्रदेश जो है वो अब पानी पानी हो गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके जो हैं जलमग्न हो गए हैं। छोटी बस्तियों की बात करें या पॉश कॉलोनियों की बात करें, सभी इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन तस्वीरों से साफ बयान होता है। देखिए मूसलाधार बारिश जो है वो लगातार जारी है मध्य प्रदेश में और ये लगातार बारिश का दौर बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी को लेकर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। शहडोल, जबलपुर, सागर, रीवा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर ग्वालियर से, जहां पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर हैं। सिंधिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर बयान दिया। फ्लाइट का किराया बढ़ने पर उन्होंने कहा कि ऐसा एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ने की वजह से हो रहा है। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर शहर में लगातार फ्लाइट बढ़ाई जा रही है। वहीं सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए 2023 के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। हर राजनीतिक दल अपने कार्यशैली के अनुसार कार्य करता है। कांग्रेस की क्या कार्यशैली है हमने पिछले कई दिनों और कई वर्षों में देख लिया। जिस दिन राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी, उस 5 अगस्त के दिन पर को चुन कर काले कपड़े धारण कर किस तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये उनकी मानसिक विचारधारा को प्रचलित करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में हमारी जो टोली है और ये टोली जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं लोगों की, ये राजनीतिज्ञों की नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप ये जनसेवकों की टोली है। जनता का विश्वास
बरकरार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में हमारी जो टोली है और ये टोली जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं लोगों की, ये राजनीतिज्ञों की नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप ये जनसेवकों की टोली है। जनता का विश्वास बरकरार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास। टीकमगढ़ नगर पालिका के नव निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल गफ्फर उर्फ पप्पू मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीब इस महंगाई में कैसे अपना परिवार चला रहा है उसी में अच्छी तरीके से जानता हूं, इसलिए गरीबों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाले 22 फुट ऊंचे दीवार के पीछे दिखेंगे। मुझे मालूम चला है कि प्रधानमंत्री आवासों के नाम पर 50-50 हज़ार लिए जा रहे हैं और जो पात्र है उन्हें आवास नहीं मिल रहा है, इसकी मैं जांच करवाऊंगा। मैं वादा करता हूं किसी भी गरीब के साथ, कोई भी समाज, कोई भी वर्ग को मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना मैं उनके साथ कोई खिलवाड़ करूंगा ना करने दूंगा। गरीब कैसे रहता है, कैसे अपना पालन पोषण करता है, कैसे बच्चों को स्कूल पहुंचा पा रहा, आज के समय इतनी महंगाई के जमाने में उनसे 30-30, 40-40 यहां तक 50,000 रुपए कुटी के बहाने, आवास के बहाने उनसे लिए जा रहे हैं और जिनको बाकी में आवश्यकता है उनको कुटी मिल नहीं रही, उनको आवास नहीं मिल रहा है और जो फर्जी तरीके से उनके पास किए जा रहे हैं, मैं इसकी जांच कराऊंगा। ग्वालियर में पिछोर नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव के दौरान इमरती देवी की बदजुबानी सामने आई। इमरती देवी विरोध करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने भिजवाने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि इमरती देवी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे बीजेपी कार्यकर्ता उमेश भार्गव को इमरती देवी ने धमकाते हुए कहा कि ज्यादा मुंह मत चलाना, मार मार कर सीधा कर दूंगी। इस दौरान इमरती देवी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बदजुबानी करती दिखी। उधर पुलिस ने नारेबाजी करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता उमेश भार्गव को 1 घंटे तक पिछोर थाना में बिठाया। आपको बता दें कि पिछोर नगर परिषद में उमेश के भाई ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। चुनाव में इमरती समर्थक से उमेश के भाई को हार मिली थी। इस दौरान इमरती ने डबरा तहसीलदार दीपक शुक्ला को भी अड़काया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी न होने की जानकारी मिलने पर इमरती ने कलेक्टर से बात कर तहसीलदार को मौके से भगा दिया। जबलपुर में 7 साल के बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। एएसएफ जवान के खिलाफ जो है मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। जवान अशोक थापा ने चोरी के शक में पिटाई की थी। साइकिल चोरी के आरोप में मासूम बच्चे की पिटाई की गई। मारपीट की घटना जो है सीसीटीवी में कैद हो गई। तो एएसएफ जवान के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जो है 7 साल के बच्चे की पिटाई के मामले में जो एफआईआर हुई है एएसएफ के जवान के खिलाफ। देखिए तस्वीरों में किस तरह जो है मारपीट की जा रही है। मारपीट उन्होंने उससे की थी और उसके सीसीटीवी फुटेज भी अपने को मिल गए हैं। इस आधार पर 392/294 जीजे एक्ट का मुकदमा थाना रांची में पंजीबद्ध किया गया है। अशोक थापा के विरुद्ध विवेचना जारी है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की खबर, जहां बिजली बिल के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। ठगों ने बैंक से उड़ाए 13 लाख रुपए। मोबाइल को रिमोट पर लेकर ये ठगी की गई। बिजली कंपनी का अधिकारी बनकर किया फोन। पीड़ित शख्स ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। तो बिजली बिल के नाम पर लाखों की ठगी की गई। राजधानी भोपाल से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोबाइल को रिमोट पर लेकर ये ठगी की गई है और बिजली कंपनी का अधिकारी बनकर फोन किया गया है। पीड़ित शख्स ने पुलिस से मामले की शिकायत की है और अब जो है मामले की जांच में पुलिस जो है जुट गई है। भोपाल में होगा फिल्म महोत्सव का आयोजन। मध्य प्रदेश में 12वीं राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा। 22 से 26 अगस्त तक फिल्म महोत्सव किया जाएगा। विज्ञान के रहस्य से संबंधित ये थीम रहेगी। फिल्म महोत्सव को लेकर की जा रही है तैयारियां। 12वीं राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा राजधानी भोपाल में, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो राजधानी भोपाल में होगा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुसार, उनके निर्देशानुसार प्रदेश को
फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे लाने के लिए, यहाँ पे और जो फिल्म निर्माता हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए और एक युवकों के बीच में माहौल बनाने के लिए कि वो विज्ञान की फिल्मों के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में आगे आएं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जबलपुर में स्कूली बच्चों ने करीब आधा किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा विजयनगर से शुरू हुई। यात्रा में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने बाइक चलाकर लोगों को अभियान के प्रति जागरूक किया। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य जबलपुर जिले के निवासियों को अभियान से जोड़ना है। कलेक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभियान से जुड़कर आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाएंगे। तो देखिए, स्कूली बच्चों के साथ कलेक्टर और एसपी इस यात्रा में शामिल रहे। संस्कार धनी वासियों को मैं अपील करता हूं कि 13 से 15 अगस्त बहुत अच्छे से हर घर तिरंगा अभियान मनाएं, अपने हर प्रतिष्ठान और घर पर तिरंगा फहराएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव है आज से ना शुरू हो रही है कि हर घर तिरंगा अभियान 13, 14, 15 अगस्त में हर घर में तिरंगा लगाने का हमारी ना दुकानें, प्रतिष्ठानें, शैक्षणिक संस्थाएँ सभी जगह पे ना तिरंगा लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तैयारियां है ना पूरा कर ली गई है। नगर निगम के द्वारा भी है ना हर वार्ड्स में तिरंगा के है ना पूर्ति के लेकर अभी भी है ना बेटी के माध्यम से लोगों को है ना दिया जा रहा है और इसमें बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे सामाजिक संगठन बढ़ चढ़ कर है ना हिस्सा ले रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।